दुनिया आज अर्थ जीवन से प्रभावित है, टेक्नोलॉजी से प्रभावित है, और इसलिए दुनिया में जिसका जो ज्ञान होता है उसी तराजू से वो विश्व को तोलता भी है। मेरी समझ के हिसाब से मैं आपका अनुमान लगाता हूं, अगर मेरी समझ कुछ और होगी तो मैं आपका अनुमान अलग लगाऊंगा। तो ये सोचने वाले की क्षमता, स्वभाव और उस परिवेश का परिणाम होता है। उसके कारण विश्व की दृष्टि से भारत की तुलना होती होगी तो जनसंख्या के संबंध में होती होगी, जीडीपी के संदर्भ में होती होगी, रोजगार बेरोजगार के संदर्भ में होती होगी, क्योंकि विश्व के वो ही तराजू है। लेकिन दुनिया ने जिस तराजू को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, भारत की पहचान का एक और मानदंड है, एक तराजू है, और वही भारत की ताकत है, वो है भारत का अध्यात्म। देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अध्यात्म को भी रिलीजन मानते हैं, ये और दुर्भाग्य है। धर्म, रिलीजन, संप्रदाय, ये और अध्यात्म बहुत अलग है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी बार बार कहते थे कि भारत का आध्यात्मिकरण यही उसका सामर्थ्य है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इस आध्यात्म को वैश्विक फलक पर पहुंचाने का प्रयास हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने किया है। योग एक सरल एंट्री पॉइंट है मेरे हिसाब से। दुनिया के लोगों को आप आत्मवत् सर्वभूतेषु समझाने जाओगे तो कहां मेल बैठेगा। एक तरफ जहां ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की चर्चा होती है, वहां तेन तख्ते न भूंजी था मैं कहूंगा तो कहां गले उतरेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा भाई तुम नाक पकड़ के ऐसे बैठो थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो वो उसको लगता है चलो शुरू कर देते। तो योग जो है वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एंट्रेंस पॉइंट है, कोई इसे अंतिम न मान ले। लेकिन दुर्भाग्य से धन बल की अपनी एक ताकत होती है, धन वृत्ति भी रहती है, और उसके कारण उसका भी कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है। इतने डॉलर में इतनी समाधि होगी ये भी और कुछ लोगों ने योग को ही अंतिम मान लिया है। योग अंतिम नहीं है, उस अंतिम की ओर जाने के मार्ग का पहला प्रवेश द्वार है। और कहीं पहाड़ पर हमारी गाड़ी चढ़ानी हो तो बहुत धक्के लगाते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन एक बार चालू हो जाए तो फिर गति पकड़ लेती है। योग का एक ऐसा एंट्रेंस पॉइंट है कि एक बार पहली बार उसको पकड़ लिया, निकल गए, फिर तो वो चलाता रहता है। फिर हमारे देश में फिर काशी की याद आना बड़ा स्वाभाविक है। मुझे संत कबीरदास, कैसे हमारे संतों ने हर चीज को कितनी सरलता से प्रस्तुत किया है। संत कबीरदास ने एक बड़ी मजेदार बात कही है, और मैं समझता हूं वो योगी जी को पूरी तरह लागू होती है। उन्होंने कहा है, अवधूता युगन युगन हम योगी, आवई ना जाए मिटई ना कभू, सबद अनाहत भोगी। सबद अनाहत भोगी, कबीरदास कहते हैं योगी योगी तो युगों युगों तक रहता है,
न आता है न जाता है, न ही मिटता है। मैं समझता हूं आज जब हम योगी जी के उस आत्मिक स्वरूप के साथ एक सहयात्रा की अनुभूति करते हैं, तब संत कबीरदास की ये बात उतनी ही सटीक है कि योगी जाते नहीं है, योगी आते नहीं है, वो तो हमारे बीच ही होते हैं। उसी योगी को कृपा करते हैं, उनको नमन करते हुए आपके बीच इस पवित्र वातावरण में कुछ पल बिताने का मुझे सौभाग्य मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर एक बार योगी जी की इस महान परंपरा को प्रणाम करते हुए, सब संतों को प्रणाम करते हुए और उस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रयास करने वाले हर नागरिक के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।